हेलो एंड वेलकम बैक टू वंदिताज किचन। होली आने वाली है और इस बार हमें घर बैठे ही होली मनानी है। सो लेट्स मेक सम ट्रेडिशनल स्टाइल ठंडाई। सो लेट्स बिगिन विद द रेसिपी। ठंडाई बनाने के लिए हमें चाहिए बादाम। तो मैंने यहाँ पे 10 से 12 बादाम लिए हैं, 10 से 12 काजू। सो ये मैंने काजू लिया है, इसे हमें स्लिट कर लेना है और चेक कर लेना है कि अंदर सही है या नहीं। काली मिर्च जो मैंने 8 से 10 दाने लिए हैं, सौंफ मैंने लिया है 1 टीस्पून, मेलन सीड ये भी हमें 1 टीस्पून लेना है, इसे मगज तरी भी कहते हैं, खसखस पॉपी सीड्स बोलते हैं इसे, तो ये भी हमें 1/2 टीस्पून लेना है। ये सारी चीज़ों को मैं भिगा लूँगी अबाउट 1 कप पानी में और 5 से 6 घंटे तक भीगने देना है। हमने इसे 5 से 6 घंटे तक भिगा के रखा था एंड नाउ इट इज़ रेडी। इसको हम पीस लेंगे। पीसने से पहले व्हाट आई विल डू इज़ मैं इसे छान लूँगी। अब हम इसे ट्रेडिशनल स्टाइल में पत्थर पे पीसेंगे। हमने जो छान लिया था वो हम डाल लेते हैं पत्थर पे। ये सब चीज़ को पहले पीछे ले लें और धीरे धीरे से दबा दबा के इसे पीसें। थोड़ा थोड़ा पानी लेके आप पीसें। ट्रेडिशनल स्टाइल से पीसने का अलग ही मज़ा है। इसमें जो स्वाद आता है वो आपके मिक्सी में या ब्लेंडर में नहीं आएगा। इसे पीसने के बाद हम इसे दूध में ब्लेंड करने के लिए मिक्सर का यूज़ करेंगे। और हमारा पेस्ट हो गया है रेडी। इसे हम एक बोल में निकाल लेते हैं। पत्थर में जितना लगा है उसे थोड़ा सा पानी डाल के पूरा गैदर कर ले, क्योंकि इसमें बहुत सारा स्वाद है। ये सब हमें इसमें ले लेना है इस तरह से। अब हमारा ये पेस्ट जाएगा मिक्सर ग्राइंडर में। इसको हम मिक्स करेंगे दूध से। सो हम टोटल 3 कप दूध लेंगे, लेकिन पहले हम थोड़ा सा दूध में इसे मिक्स कर लेंगे। इसी में हम डालेंगे 1/4 कप शुगर, 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर एंड फ्यू स्ट्रैंड्स ऑफ सैफ्रन, यानी कि हमारा केसर। अब इसे हम थोड़ा सा ब्लेंड कर लें। अब इसमें हम बाकी का मिल्क डाल देते हैं। और फिर से हो गया हमारा रेडी। अब हम इसे छान लेते हैं ताकि जितना भी इसमें छिलका या सॉलिड पार्टिकल है वो छन जाए। लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे रोज वाटर, जो मैंने 1 टीस्पून लिया है। Is ready to serve in the glass. So हमारी ठंडी ठंडी ठंडाई हो चुकी है ready, and it is ready to drink. इस ठंडाई से बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। गर्मियों के मौसम में ठंडाई से आपको पेट में आराम मिलता है, यानी कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव होता है, आपकी इम्यूनिटी इंक्रीज होती है और आपको खूब सारा एनर्जी मिलता है। सो आप भी इन गर्मियों में ट्राई करिए ये रेसिपी ठंडाई की एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कैसा लगा। और नेक्स्ट टाइम हम फिर मिलते हैं
with some good recipe with a twist.